पिछले कई दिनों से स्पोर्ट्स मीट 2023 आपका चल रहा था, कल अपने अंजाम तक पहुंचा। चार दिन बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बहुत से बच्चों में अच्छे खिलाड़ियों वाले गुण नजर आए। ये अपना एक हाउस टूर्नामेंट था, स्कूल लेवल का ही था और सभी ने पार्टिसिपेट किया, हर एक ने पार्टिसिपेट किया, हर एक को मौका मिला और हर एक में उसकी जो भी योग्यता है उसको पता चला। मुझे लग रहा है शायद लड़कियों ने क्रिकेट पहली बार, बहुत सी बच्चियों ने पहली बार खेला होगा, है ना? क्यों भी ऐसे ही था ना, जिस तरह से मैं देख रहा था आप लोगों को, बाद में वीडियो उस पर डाला हुआ है फेसबुक पे, तो मैंने देखा आप लोगों को जिस तरह से आप खेल रही थी, तो बहुत सी बच्चियां मुझे लग रहा है बल्ला पहली बार पकड़ा होगा, बॉल पहली बार पकड़ी होगी, कम से कम एक नया एक्सपीरियंस तो हुआ ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया और इसका मकसद अपना यही होता है, प्लस टू वाले बच्चे, जो बोर्ड के बच्चे हैं, दसवीं वाले बच्चे, लगभग उन बच्चों को फ्री करने के बाद में अपने, क्योंकि बहुत उन पर भी दबाव रहता है, हाफ इट एग्जाम के बाद में उनके प्री बोर्ड चलते हैं जो रह रहे होते हैं। आप लोगों का थर्ड टेस्ट था, अकेडमिकली ये कह लो कि जो आपका एक पढ़ाई का काम था वो सारा पूरा करने के बाद में फिर अपने खेलों की तरफ आए इधर, और आप लोगों ने खूब इंजॉय किया। और इसके लिए, इस पूरे कार्यक्रम को संचालन करने के लिए आप पूरे स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आप लोगों से जो कार्यक्रम था स्पोर्ट्स मीट 2023 का, ये बड़े ही सुचारू ढंग से चला और सफल हुआ। आज का, अब का जो समय आपका, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का है, सामने आपके मेडल पड़े हैं सारे, देर लगे आप लोगों ने जीते हैं, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स मीट 2023 के दौरान आप लोगों की सामने आई उन बातों के बाद, बहुत शानदार गेम होते हैं और फुल्ली कंसंट्रेट होकर के बच्चा अपनी योग्यता को दर्शा सकता है। उस बंदे को आपके बारे में पता कैसे चलेगा कि आप कैसे हो, आपके पूरे के पूरे माहौल जिसमें आप रह रहे हो उसको बता देता है, और जिस व्यवहारिकता से, कि कह लो जिस कर्म, सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए कोई भी काम करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, उससे पहले विचार जरूर किया करो कि कहीं हमारा बोला, कहीं हमारा किया गया कोई कर्म नुकसानदायक तो नहीं है। इस समय के लिए, आने वाले समय के लिए हमेशा विचार किया। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, अभी मुझे इधर जो गर्ल्स वाला दिन था उधर से ज्यादा शोर सुनाई देता था हमेशा ही, और इन्होंने डांस भी खूब किया बच्चों ने उधर, तो नाच नाच के मुझे लग रहा है गड्ढे पड़ गए वहां पे हमारे ग्राउंड में, तो खूब नाचे बच्चे छोटे छोटे, बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कल की स्टाफ भी नाचा था, लेडीज स्टाफ भी नाचे, तो और भी बधाई, बहुत अच्छी बात है, भी आपको भी नाचना चाहिए, बच्चों को देख के मन करता ही है ये सब का, ठीक है ना। बस इधर मैं था नहीं, गुरुजनों को मैं भी नचवा देता, कर स्टाफ भी नाचते, सभी प्रेम सर सब नाचते, खूब नाचते, कभी मौका मिला तो फिर दिखाएंगे डांस आपको इनके। तो बच्चों एक बढ़िया माहौल में सारा संपन्न हुआ, आप सभी बधाई के पात्र हो। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्टें बन चुकी हैं, मैं बटू सर से अनुरोध करूंगा, निर्मल सर से, कि ये उन बच्चों के नाम बोलते रहे। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ आप। उन्होंने लाइन शुरू की थी और मैंने साइंस और अंग्रेजी वहां पढ़ानी शुरू की थी, एक बहाना बना था, संत बाबा जी ने मुझे कह दिया मैं चार फीट लगाने आया करता था, साधु शहर में एंट्री इस तरह से हुई है, मेरा तो गाँव संगरिया तहसील में आता है, साधु शहर में तो आता ही नहीं है, एक बहाना बना, पापा जी ले आए मेरे को कि चलो एक बहाने से यहाँ छोड़ गए और सिंह जी के पास, वहाँ साल एक लगाया था, पूरा एक सेशन लगाया था, फिर छोड़ दिया था, फिर मुझे वहाँ ले गए बघेल सिंह जी, गुरु जी मान साहब अब हमारे बीच में नहीं है, मुझे फिर ले गए भी आप, तो एक बार ऐसे भी बात पड़ेगी, फिर एक साल और लगाया वहाँ,
फिर ये बाल भारती स्कूल जो बच्चे यहाँ पे आ गया, इसमें मकर सिंह जी मेरे को ले आए, पता नहीं था भी इस स्कूल को आगे संभालना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो स्कूल से शुरुआत की, साधु शहर की शुरुआत यहाँ से स्कूलों से हुई थी, फिर पिछले शहर का काम कर लिया, रोडजिंदे स्कूल बाद में शुरू किया। तो मेरे दुकान के साथी हैं जसकांत सिंह जी, शुरू सबसे पुराने हैं, और उसके बाद में जैसे स्कूल शुरू किया, गुरु अर्जुन देव स्कूल शुरू किया, तब कविता मैडम की एंट्री हुई है। कविता मैडम की एंट्री आसान से नहीं हुई थी, बड़ी मुश्किल से हुई थी। पहले ये मेरे पास आए तो मैंने कहा मैं तो लेडीज स्टाफ रखूंगा ही नहीं, देखो मैं कितना समझदार था। तो हाँ, अब देख लो आप कितना लेडीज स्टाफ सामने खड़ा है आपके। मैं ये सोच के चला था कि लेडीज स्टाफ तो रखने नहीं है, और कविता मैडम जब आए मैंने इनको जवाब दे दिया कि मैं तो रखूंगा नहीं। और फिर जब बच्चियां आ गई स्कूल में, लड़कियों की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, फिर मैडम याद आए, फिर मैंने पंडित जी को भेजा, जगदीश जी को, जगदीश जी जब वो मैडम को बुला के लेके, फिर ये अकड़ गई मैडम, बोली मैं तो नहीं जाऊंगी, जब मेरे को पहले आपने लिखा। फिर अब ये चलता रहा, देखो अजीब अजीब से संजोग होते रहते हैं। फिर भाई इनको मिन्नत समाजित करके लेके आए जी, आपकी जरूरत है। देखो बच्चों, तब से लेकर के 25-26 साल हो गए, मैडम यही है और अपना बखूबी अपना सारा काम संभाल रहे हैं। फिर प्रेम जी आए, फिर राजीव सर आए, तो मालिक की कृपा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है सारा। ही अपने और स्तंभ हैं जिन्होंने सारा काम संभाला हुआ है। तो इस तरह से बच्चों शुरुआत हुई। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं, शुरुआत हमेशा, अगर किसी मकान पे चढ़ना है सीढ़ी के पहले स्टेप पे काम रखना पड़ेगा, रखना पड़ता है ना, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो ना। ऐसा तो नहीं कि टांग नीचे दूसरी ऊपर वाले बदली जाएगी ना, लटक जाओगे, गिर जाओगे, संभल नहीं पाओगे, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अपनी, ये बता रहा हूं कि होगा क्या, ऐसी कोई धारणा मत बनाओ कभी भी एकदम से, बस मैंने तो ये करने में तो वो करने, मैंने तो सोचा नहीं था कभी साधु शहर आने का, दिल से कह रहा हूँ। पक्की बात, लकीली साधु शहर हमने आना नहीं था, हमारा काम ही नहीं था। अब मेरा पकड़ा कान और यही बिठा के 30 साल हो गए यही बैठा हूँ। ये पता नहीं मालिक ने कहा किसको कहाँ लेके जाना है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना स्टाफ यहाँ पे, राजीव जी गंगानगर रह रहे थे, जसकंद सर धौलीपाल रह रहे थे, प्रेम जी पंजाब में रह रहे हैं, कहां कहां से इकट्ठे हुए हैं सारे हम। ये संयोग होता है, कोई पिछले जन्मों का कोई संयोग होता है जब हम कहीं इकट्ठे होते हैं किसी काम के। ये कोई मेरी अकल से नहीं हो रहा सारे का सारा, इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझ ले भाई बच्चे बच्चियां सारे। देखो बेटा, आप अपना कर्म करो जो आपके हाथ में है, आपको एजुकेशन शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा है, उसमें स्कूल आप पूरी तरह से आपको सहयोग कर रहा है। प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आपकी तरफ से आ रही है कि आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, देना चाहिए। क्या बनना है क्या नहीं बनना, इसके बारे में आज कुछ भी अपन नहीं कह सकते। जो सबसे नालायक बच्चे लगते हैं ना आपको कि ये बच्चे तो बहुत मतलब एवरेज बच्चे हैं, और वो बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं आगे जाकर के। बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं तो अपने एरिए के बहुत से ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ। डॉक्टर तलवार हैं अबोर के, मैं कई बार बताया आप लोगों को, उनके लड़के के 52% थे, प्लस टू में 52% थे, 52% साइंस में, माँ बाप डॉक्टर थे, और उस बच्चे ने अपनी लगन से अपनी मेहनत से घर का गेट कर दिया बंद, मम्मी पापा को बोला मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। एम्स में सिलेक्शन हुआ उस लड़के का, एम्स में जो सबसे बड़ा कंपटीशन है मेडिकल का, 28वीं रैंक आई थी उस लड़के की, 28वीं रैंक एम्स। कहने का मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी के नंबर कम आ गए हैं तो वो कर सकता है, ध्यान नहीं होगा उसका, ध्यान दिया उसने तो कर लिया। इसलिए बच्चों,
अपने आप को कम नहीं समझो, कहने का मतलब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे कंसंट्रेट करना, आज जो समय मिला है ना, जो बातचीत मैं कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देना है कि आपको हमेशा रोजाना ये अपने आप से कहने पड़ेगा आपको कि मेरा जो काम मुझे मिला है मुझे ये करना ही करना है, ईमानदारी से करना है और रोज करना है। उस पर क्योंकि प्रिंसिपल सर का धन्यवाद कि पिछले दिनों के अंदर बच्चों की भावनाओं को समझा और उसके बाद में बड़े ही सुखदाई मन से खेल करवाने की अनुमति प्रदान की। ये स्वाभाविक बात है कि कोई काम हम जब करते हैं जितने प्रसन्नचित मन से उसको करते हैं उतनी प्रसन्नता के साथ वो संपन्न होता है, ये प्राकृतिक कारण भी इसको कह सकते हैं। सुखदाई मन से स्वीकृति मिली बड़े ही आनंदमय ढंग से, 3 दिन तक 4 दिन तक हमारा कार्यक्रम खेल का जो था वो होता रहा, सभी बच्चों ने बड़े ही मौज मस्ती के साथ आनंद के साथ इसका रस भोगा। तो बेटा हम सब मिलकर के पूरे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से तालियों के साथ एक बार गुरु जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा 2 नंबर बात, ये खेलकूद कार्यक्रम जो है गत वर्षों में भी होता रहा है, अक्सर मार्च के दिनों में थोड़ी गर्मी भी बढ़ जाया करती है, इस बार मौसम की मेहरबानी रही है, बड़ा अनुकूल रहा है ये मौसम। देखिए पूरी जो व्यवस्था थी इसको आपने, वो व्यवस्था में जो बदला, इसके पीछे सबसे बड़ा जो उत्तरदायी है वो आपका अनुशासन है। और कई बच्चे तो इस बार अनुशासन की मिसाल के रूप में सामने आए हैं, मैं उन बच्चों का जरूर यहाँ नाम लूंगा। उनमें जैसे एग्रीकल्चर के अंदर 2 बच्चे हैं, जसन और परमनवदीप, इसके अलावा प्रेक्षित गौतम, 1-2 बच्चे और है वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ। तो ये बच्चे वास्तव में ही अनुशासन की एक मिसाल के तौर पर यहाँ सामने आए हैं। खेल हुए, खेल के दौरान बड़ी बड़ी, मतलब बच्चों का जो अंदर का कौशल कहे, बड़ी जो प्रतिभा है पढ़ाई के अलावा भी वो धरातल के ऊपर यहाँ ग्राउंड के ऊपर देखने को मिली है। जैसे युवराज पढ़ने में भी एक्टिव है 9th के अंदर, और यहाँ देखा अंपायरिंग बड़ी सुंदर, बड़े अच्छे तरीके से करवा रहा था, सराटों में भी है, नटखट है, हर प्रकार की यानी गुणवत्ता उस बच्चे के अंदर है। इसके अलावा प्रेक्षित है, बड़े शांत स्वभाव का बच्चा है, एक अलग प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, वो यहाँ हम सबके सामने आया। तो ये बच्चे वास्तव में है, इनसे प्रेरणा लेनी है, सीखनी है। सबसे पहले तो जो 3-4 कार्य दिवस में लगातार गेम्स हुए हैं उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया है, मैं विनर नहीं कह रहा, मैं रनर नहीं कह रहा, सभी को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। स्टेप की बात की गई तो पहला स्टेप था, अभी आपने बहुत ऊपर जाना है, बहुत ही कामयाब होना है और लगातार सफलता आपको मिलती चली जाएगी। अब बार बार ये मेरा मोटू भाई है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ और एक ही संकल्प दिलवाता हूँ कि अगर आप अच्छे संस्कार का अनुसरण करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके अंदर अच्छे संस्कार होने चाहिए, माता पिता का, गुरुजनों के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति, अपने छोटे भाइयों के प्रति संस्कार हो, वही वास्तविक शिक्षा है। आप अच्छी बात आपने बैठे हो, गेम हुए हैं तो बहुत ही आपने अच्छा उसमें भाग लिया है और सभी को सफलता मिल रही है। अभी तो सर ने बताया था, जैसे भी हम 94-95 से स्कूल में आए हैं तो सबसे आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, आज वो हर जगह हमें मिलते हैं। हम कई बार कहीं भी ऑफिस में जाएं तो हम तो पहचान नहीं पाते,
वो आगे से खड़े होते हैं, सर नमस्ते, मैं आपके पास पढ़ा हुआ हूँ जी। उससे क्या हमें भी गर्व होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कितने आगे पहुंच गए हैं। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी कक्षाओं में अच्छी मेहनत करें, अच्छी सफलता प्राप्त करें। अपने मेहनत करेंगे तो नंबर अपने आप बढ़ेंगे। मान लो किसी कक्षा में नंबर कम आते हैं तो अपने गुजार नहीं होना, आगे फिर मेहनत करनी है, तो मेहनत से आगे आप अपने आप अच्छे नंबर लेने लगोगे और अपने मंजिल पे कामयाब हो जाओगे। इसी के साथ प्रिंसिपल साहब समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई जो इस प्रोग्राम में सब मिलकर हमारा साथ दिया, और हमारे डिसीजन में कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। धन्यवाद। पर रखिए जोरदार तालियां एक बार मुंबई की देवी। एक कविता मैडम आज तक बोले नहीं है कभी भी। आप सबने बहुत अच्छा खेला, हमें देख के अच्छा लगा, और काफी स्टूडेंट्स की नई स्किल्स देख ली गई। हमें पता चला कि आप में क्या टैलेंट है, जो क्लासों में नहीं दिखता था, जो ग्राउंड में दिखा। वैसे क्लास में हमें पता चल जाता है कौन बच्चा पढ़ने में कैसा है, लेकिन ग्राउंड में हमें पता। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा खेला, और इधर हम गर्ल्स को खिला रहे थे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रही। हैव अ ग्रेट मॉर्निंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ओके ओके, तो ये मैं रही जो 3 दिन रही है ना, और बहुत बच्चों ने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपना कैलिबर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। 3 दिन सबने बहुत ही अच्छी स्किल्स दिखाई, टीम स्पिरिट देखने को मिली, स्पोर्ट्समैनशिप देखने को मिली। तो आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर रिस्पेक्टेड सर एंड अदर स्टाफ। एक्चुअली मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, मैं पंजाबी निकलन लगी मेरी नर्वस करके, बिकॉज इतने सब नालों एज मेरी घट है, मैनू इन्ना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं लाइफ च बहुत ज्यादा घट माइक फड़े आज तक। सपोज करो कि मैं भी थोड़े वर्गी स्टूडेंट सी जदों, तो मैं माइक पकड़न तो अज भी डर रही हूँ, उदो भी बहुत ज्यादा डरती होंगी सी। मैं स्टेज पे बहुत ज्यादा घट जाते होंगे सी, बिकॉज नर्वसनेस के कारण पैर शिवरिंग होने लग जाती है, हाथ अज भी हो रहे ने। बिकॉज मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं तो यहाँ पे मनप्रीत मैम का इंटरव्यू दवाने के लिए आया था, तो मैम इंटरव्यू दे रहे थे और मैं यहीं बैठा हुआ था, और मनप्रीत मैडम, गगन सर थे यहाँ पे, अब देवेंद्र मैडम थे, और उनकी रिक्वेस्ट करी उनसे, प्रिंसिपल सर से, तो मेरे को ज्वाइन किया, और सर बोले कि आपको छोटी क्लासों से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं उनका बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगा कि उनको मेरे को मौका दिया छोटी क्लासों से स्टार्ट करते, आज 8th तक पहुँचा हूँ, और आगे भी यही कहूँगा कि और आगे बड़ी क्लासों तक पहुँचूँ। जैसे जैसे सर बोलते जाएंगे वैसे वैसे अपना काम अच्छी लगन और मेहनत से करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इस पूरे आयोजन के लिए सभी बच्चों को, पूरी मैनेजमेंट टीम को बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे जीते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे इस बार मेरी तरह नहीं जीत पाए तो उन्होंने मायूस नहीं होना है, हम अगली बार अच्छी वापसी करेंगे और मेडल ज्यादा से ज्यादा जीतेंगे। जो हमारे बीच अब नहीं है वैदिका यादव, तो मैं उसको इस स्टेज के माध्यम से श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहूंगा कि जिसने मुझे को प्रमोट करने के अंदर काफी अहम रोल निभाया। कि एक ही दिन का लेक्चर था, उस बच्ची का फेस मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने अर सर को कॉल करी तो उस बच्ची ने, हरदीप सर ने बताया कि सर ये वही बच्ची है जिसको आप एक दिन पढ़ा के आए थे। तो काफी एक मन उदास हुआ, काफी दुख हुआ भी, जिस बच्ची को एक ही दिन पढ़ाया था और उस बच्ची ने प्रमोट के लिए भी सर को कहा भी इन सर को आप परमानेंट लेक्चर दीजिए, और वो बच्ची एक दिन बाद ही इस संसार को छोड़कर चलेगी। तो हमेशा मैं जब भी +1 +2 के लिए मेहनत करूंगा तो उस बच्ची का नाम हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा, और मैंने पूरी क्लास के लिए इंस्पिरेशन वर्ड्स भी दिए थे कि हम +2 क्लास के अंदर अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देकर उस बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खास करके लड़कियों की कबड्डी और खो खो बहुत अच्छी रही। आप लोग इसी तरह ही गेम्स में पार्टिसिपेट करते रहो, हम आपको गेम्स करवाते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू। इट वॉज प्लीजेंट टू वॉच यू ऑल फॉर 3 days, एंड यू गाइज हैव नेल्ड इट इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। थैंक यू। तुसी पिछले 3 दिनों तो बहुत वधिया खेले, पर मैं 2 दिन मिस किया। मैं कल
अपना एनुअल स्पोर्ट्स डे अटेंड किया। बहुत ही वधिया पिछले साल जिवें असीं परिवारे सी उस नालों बहुत ही वधिया अनुशासन दे विच चाहे बॉयज या गर्ल्स छोटे बच्चे वड्डे बच्चे सारे ने बहुत ही वधिया खेडिया ते जिन्हें भी गेम हुए बहुत ही वधिया ते कंपीटिशन भी बहुत वधिया सीगा ते सब ने बड़े ईमानदारी नाल ते बड़े लगन नाल मेहनत नाल सब ने खेडिया। देखो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट से पहले दो स्टाफ के लिए नर्सरी जिसके विनर हैं अमरवीर, प्लीज कम ऑन द स्टेज अमरवीर। बैलून बैलेंस गेम विनर इज सुखजोत एंड जपनीत कौर। अमरवीर एंड जपनीत कौर। चेयर रेस स्पून रेस अवराज सिंह। सुखजोत बैलून बैलेंस गेम सुखजोत। नेक्स्ट जपनीत हिमांशु एंड अमरवीर अगेन। हिमांशु प्लीज कम ऑन द स्टेज हिमांशु। जपनीत का अवार्ड उनके दादाजी को दिया जा रहा है जगदीश सर की तरफ से। हिमांशु प्लीज कम ऑन द स्टेज। तालियां बजती रहे छोटे बच्चों को। इन गर्ल्स परवीर एंड किरणजीत। परवीर एंड किरणजीत। परवीर फर्स्ट सेकेंड। परवीर परवीर फर्स्ट गोल्ड एंड किरणजीत सिल्वर। सेकेंड क्लास बॉयज फर्स्ट पारस सेकेंड अर्पित। इन गर्ल्स सानिया एंड लवन्या। सानिया फर्स्ट लवन्या सेकेंड। सानिया फर्स्ट लवन्या सेकेंड। सानिया फर्स्ट लवन्या सेकेंड। लवन्या एब्सेंट। ओके। इन थर्ड क्लास बॉयज अरमान फर्स्ट एंड पार्थ सेकेंड। इन क्लास थर्ड बॉयज अरमान फर्स्ट एंड पार्थ सेकेंड। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अरमान फर्स्ट पार्थ सेकेंड। क्लैपिंग छोटे छोटे बच्चों को। पार्थ सेकेंड। इन गर्ल्स हर्षिता एंड दिवांशी। हर्षिता फर्स्ट दिवांशी सेकेंड। क्लास फोर्थ बॉयज सिद्धांत फर्स्ट पीयूष सेकंड। सिद्धांत एंड पीयूष प्लीज जल्दी से स्टेज पे पहुंचे। इन गर्ल्स मनसीरत एंड सुखमन प्लीज कम ऑन द स्टेज क्लास फोर्थ। पहले फर्स्ट वाले सिद्धांत। सिद्धांत फर्स्ट मनसीरत फर्स्ट। सिद्धांत फर्स्ट एंड पीयूष सिल्वर। गर्ल्स मनसीरत एंड सुखमन। मनसीरत फर्स्ट सुखमन सेकंड।
सभी सीनियर स्टाफ मेडल से इन बच्चियों को सम्मानित करें। वॉलेंटियर मेडल पहुंचा दें भाई। फॉर विनिंग कबड्डी इन सीनियर गर्ल्स। नाउ विनिंग टीम ऑफ सीनियर गर्ल्स, विनिंग टीम ऑफ खो खो। Congratulations team Rizul. Now in race, winner is Prabhnoor. Who is Lovjot? Lovjot second. Second silver. 3 lakh, winner is Prabhnoor. Winning team cricket, team Roman. Last word for senior girls. टीम क्रिकेट सीनियर, फर्स्ट टाइम ये मैच हुआ था, इसके अंदर टीम रोमर विनिंग रही। देखते हैं अभी कितना टफ और टाइट ये मैच रहा था। कांग्रेचुलेशन टीम दीप सिंह। मेडल लेके नहीं जाना, ठीक है? इसका मेन को राजीव सर है, वो मैडम का जाकर के सम्मानित कर रहे हैं। साइड में आ जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम गुरु भगवान। इस टीम के कैप्टन आज एब्सेंट हैं, लेकिन बहुत अच्छी टफ फाइट थी ये भी। इसके बाद जूनियर क्रिकेट टीम विनिंग टीम तरुण। प्लीज ईशान ने प्ले किया था, तो ईशान के लिए जोरदार तालियां भी। प्रेम सर इन बच्चों को मेडल देकर सम्मानित करेंगे। जूनियर क्रिकेट टीम कैप्टन आज एब्सेंट। कांग्रेचुलेशन टीम तरुण। ईशान सभी कबड्डी के मुकाबले निर्मल सर की देखरेख में खेले गए। और एक जो फैसला सभी बच्चों को मैं बता दूं, जो कल रिव्यू हुआ था, वो फैसला आप YouTube पर देख सकते हैं। वहां से आपको पता लग जाएगा कि वो फैसला किसके पक्ष में जाना चाहिए था। तो वो फैसला टीम दीप सिंह के पक्ष। सभी स्टाफ ज्वाइन करके सभी को मेडल भिजवा दें। तालियां बजती रहेंगी। ममता मैम प्लीज ज्वाइन दिस मेडल डिस्ट्रीब्यूशन। नीतू मैम, सुखजीत मैम, इसको डाल।
सिमरन है सेकंड, सिमरन सेकंड, कार्तिक है नंबर 1 फॉर क्राइंग आंसुओं से भी कई बार इन नाउ 6th क्लास के क्लास टीचर मंच पे पहुंचे, क्लास 6th के क्लास टीचर जोर से जय हिंद बोल दे, जय हिंद जोर से बोल, सेकेंड सुखमनप्रीत प्लीज कम ऑन द स्टेज, जस्मीन एंड सुखमन, गोल्ड टू जस्मीन, सिल्वर टू सुखमनप्रीत, क्लास 7th के क्लास टीचर मंच पे पहुंचे, 8th क्लास के क्लास टीचर स्टेज पे खड़े, फर्स्ट इज भावना, डांस करके सर 3 lakh रनर अप नवदीप एंड सुखमनप्रीत, नवदीप एंड सुखमनप्रीत सिल्वर, जो कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे गुजारिश है भी आप अपनी लिस्ट को अपडेट करके छोटी सी बच्ची के लिए जोरदार तालियां भी, डांस की विनर आई करी गई है, ये वो विनिंग टीम यही है, आपके बराबर भी उतनी लड़कियां थी तो मतलब एक स्कूल एक तरफ एक स्कूल एक तरफ कंग्रेचुलेशन भी सभी को, बड़े 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 आगे आ जाओ, बलप्रीत उसके बाद में जसदीप, परमदीप और रितेश, रितेश आया क्या, दिखाई नहीं दिया, रितेश के बाद में 9th क्लास अरमान सर, कौन यहाँ बजाई जाए, जशन 11वीं ए में, जशन भी आ जाए आगे, और एक और रह गया लखविंदर 11 ए में, राजीव सर और प्रेम सर वॉलेंटियर्स को सम्मानित करते हुए, इनकी सेवा तारीफ के काबिल है, करण सर प्लीज ज्वाइन करें, इनकी सेवा के लिए जोरदार तालियां भी, इसी प्रकार आप अनुशासन के साथ विद्यालय का सहयोग करते रहें, विद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, शिक्षा और खेल सभी क्षेत्रों के अंदर आप इसी प्रकार अपना और विद्यालय प्रिंसिपल सर के सबसे पुराने साथी हरभजन सिंह और पट्टी के नाम से मशहूर, गुरप्रीत मैम, खुशदीप मैम,
कुछ मेरे छोटा नहीं।